हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी गर्ली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अमेजॉन से मंगाई हुई हेयर स्ट्रेटनर क्रीम, जो कि स्ट्रिक्स कंपनी की है। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कर्ली हेयर पर, जिन्हें आप घर बैठे स्ट्रेट करना चाहते हैं। अगर आप लोग सलोन या पार्लर में अपने पैसों खर्च नहीं करना चाहते और घर में ही आप लोग करना हेयर स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इसका यूज करना और ये बाल होने के बाद कैसी लगेगी हमारे हेयर पर। तो आप लोग देख ही सकते हैं गाइस, मैं इन बालों पर अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये स्ट्रेट होने के बाद ये बाल कैसे लगेंगे। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी गाइस, देख सकते हैं आप लोग। मैं पूरा ऑनेस्ट रिव्यू करूंगी गाइस, मैं इन्हीं बालों को मैं स्ट्रेट करूंगी इस क्रीम के जरिए। देखते हैं ये क्रीम स्ट्रेट करती है इन बालों को या नहीं। तो गाइज हम इसको ओपन करके ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं। तीन दो पाउच मिले हैं और एक क्रीम मिली है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाइज, इसकी प्रिंट देख सकते हैं आप लोग। ये कैनवो लाइन लिखा हुआ है, स्ट्रिक्स क्रीम है कंपनी है, तो वो लिखा ही हुआ है, आप लोग देख सकते हैं गाइज। चलिए गाइज इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम अपने बाउल में इसको निकाल लेंगे गाइज। ये देखिए गाइस, अब हम निकाल ले रहे हैं इसको। आप भी किसी बर्तन में या फिर बाउल में ऐसे टाइप से निकाल लें, अच्छे से पूरी क्रीम निकाल लीजिएगा ताकि आपके बालों को अच्छे से लग जाए। ये देखिए गाइस, मैंने निकाल ली है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैं इस ब्रश की हेल्प से इसको लगाऊंगी, इन्हीं बालों पे लगाना है मुझको। ये देख सकते हैं गाइस, अभी ये कितने रफ हेयर है। चलिए गाइस लगाना शुरू करते हैं। गाइज आप देख सकते हैं, मैंने ये क्रीम अपने हाथों पे उंगलियों पे लगा ली है। इस टाइप से आप लोग को भी लगाना है। अब मैं इसको हाथों से अपने बालों पे लगाऊंगी ताकि हमारे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं। ये देखिए गाइज, इस टाइप से हमको लगाना है अपने बालों पे। और आप ध्यान रखिए कि ये जड़ों में ना लगाएं, आप लोग ऊपर के हिस्से में ना ही लगाएं, इससे आपके बाल को ज़्यादा हार्म नहीं होगा। फिर जड़ों में लगाते हैं तो हमारे बाल टूटने लगते हैं, तो जड़ों से बचा के रखना है। गाइस देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप से आप उंगलियों में लेकर अपने बालों को इस टाइप से लगाएं, इससे आपके बाल। गाइस मैंने सारे बालों में लगा लिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। अब इसको 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारे बालों में अच्छे से लग। गाइस 20 मिनट के बाद हम इन हेयर को धो लेंगे, फिर हम अपने बालों को इस टाइप से स्ट्रेट करेंगे, आप लोग देख ही सकते हैं। मैंने 20 मिनट के बाद जब मेरे बाल सूख गए थे तो मैंने इनको धुला है, और सूखने के बाद मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। आपको किसी भी स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लेने हैं अपने बालों को ताकि आपके बाल एकदम अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं, बिना किसी पार्लर सलोन जाए बिना आप घर में ही इतने अच्छे हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं गाइस, ये मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है। ये देखिए गाइस, अब मैं दूसरी साइड से अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से मेरे दोनों तरफ के बाल स्ट्रेट हो जाएं। ये देखिए गाइस, आप थोड़े थोड़े करके अपने बालों को ले लेना और
एस टाइप से स्ट्रेट कर लेना, इससे आपके घर बैठे अच्छे स्ट्रेट हो जाएंगे बाल। गाइस इसमें दो पाउच निकले थे, ये आपको किसी बाउल में या किसी बर्तन में दोनों निकाल लेने हैं। ये क्रीम में ही निकले थे, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, एक क्रीम निकली थी और दो पाउच निकले थे। अब हमें इसका सेकंड प्रोसेस यूज इस्तेमाल करना है। फर्स्ट स्टेप था हमने क्रीम लगाई थी, अब हम इन दोनों पाउच लगाएंगे अपने बालों में। ये देखिए गाइस, फिर हमारा सेकंड स्टेप में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गाइस सारा निकाल लेना है आपको अच्छे से अपने पाउच से। आप लोग देख ही सकते हैं गाइस, मैंने निकाल लिया है। अब हम अपने हेयर में लगा लेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए गाइस, मैंने धुलने के बाद स्ट्रेट करने के बाद ये बाल कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब ये हम लगा लेंगे अपने बालों में अच्छे से। गाइस आप इस टाइप से लगा सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो अपनी उंगलियों की हेल्प से भी इनको लगा सकते हैं। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें उस टाइप से आप लगा लीजिए। मैंने ब्रश का यूज किया है, अगर आप लोग चाहें तो अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने क्रीम धुल ली थी, धुलने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के हेयर दिख रहे हैं कुछ। अब हम इन बालों को भी स्ट्रेट भी करेंगे गाइस। गाइस आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेटनर को प्लग कर दिया है, इसको हीट होने पर रख दिया है। अभी हम इसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगे गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैं अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ, फिर से एक बारी स्ट्रेट कर लेना है हमको, ताकि हमारे बाल बिना पार्लर और सलून जाए एकदम अच्छे स्ट्रेट होके निकले। तो गाइस देखते हैं इस क्रीम का कमाल क्या होता है। और हाँ गाइस, इस बात को ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने बालों को किसी भी बैंड से या पिन नहीं लगानी है अपने बालों पे। 3 डेज तक इनको ऐसे ही ओपन छोड़ देना है, ताकि हमारे हेयर परमानेंट या लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट रहें। गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बाल आपको कैसे लगे हैं, ये पहले थे और ये अब हैं। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको ये स्ट्रेट बाल इस क्रीम की हेल्प से किस टाइप के लगे हैं, आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए। तो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बाल स्ट्रेट होने के बाद कुछ इस टाइप से नज़र आ रहे हैं, ये सारी मैंने क्रीम लगाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। गाइस आप लोग देख ही सकते हैं अच्छे से, मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। आप लोग देखिए गाइस, ये बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। अगर आप लोग एट होम ये क्रीम लेना चाहते हैं और ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये क्रीम का उपयोग जरूर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस इसकी लिंक दे दूंगी। और ये क्रीम मुझको 250 रुपये की पड़ी थी। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और हमारे चैनल को बिना बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।